पंजाब सरकार और जिला प्रशासन द्वारा मंडियों में गेहूं की फसल की खरीद समय पर करने और किसानों को मंडियों में किसी तरह की भी मुश्किल ना पेश आने के जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं फाजिलका अनाज मंडी में तकरीबन पिछले 15 दिनों से अपनी फसल लेकर बैठे किसानों की फसल की खरीद ना होने के चलते किसानों में रोष पाया जा रहा है, जहां गुस्साए किसानों द्वारा आज उनकी फसल की खरीद ना होने के चलते फाजिलका मार्केट कमेटी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए खरीद एजेंसियों और पंजाब सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सर, किसानों का कहना है कि इतने परचेज नहीं हो रही और इस लिया के जो किसान यूनियन वालों अज प्रोटेस्ट भी किया गया थोड़े ऑफिस के बाहर उन्होंने यानी कि 10-10, 12-12 दिन हो गए सर इतने अपनी फसल लैके बैठे। देखो जी, किसी भी किस्म का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया सी। ये जो दफ्तर है मार्केट कमेटी का, इस समूह जिमीदार वास्ते ही बनाया गया ता जो कुछ कोई भी जमींदार ने जी किसी भी टाइम मंडी के किसी तरह की तकलीफ होंगी है तो तुरंत ही जी हैगी इस दफ्तर के आके इस दफ्तर के स्टाफ न जी हैगी अपनी मुश्किल संबंधी दस सकन। इस तरह अज जे है कुछ जमींदारों वालों आके दसा गया कि मंडी के कुछ हिस्से के जी है वो खरीद अजे तक घट हुई सी, जिस दे संबंधी मेरे खुद वालों भी तो सारिया एजेंसियों वालों भी जोड़ा है उस समय इसका इस नोटिस लेंदे हुए असी अज जी है काफ़ी अच्छी खरीद जी है मंडी के अज हुई है, जिदे मुताबक कि तकरीबन अज 1,29,000 क्विंटल जी है कणक की खरीद सिर्फ अज के दिन के जी अज फाजिलका मंडी के हुई है। उन्होंने ये भी कहना है भी कुछ किसानों का मतलब भेदभाव किया जा रहा है, किसी की कणक खरीदी जा रही है किसी की नहीं खरीदी जा रही। देखो जी, एम जी भेदभाव का तो कोई यहोजा कोई है ही नहीं गल, क्योंकि जो भी जिन्ना भी स्टाफ है वो तकरीबन देखो चाहे एफ सी एजेंसी का चाहे किसी भी एजेंसी का सारे स्टाफ जिहड़े ने उन्होंने एको जी ड्यूटी ही परफॉर्म करते हैं। कोई किसी को गलतफहमी इस चीज़ की हो सकता है कोई, पर मैनू नहीं ये लगता भी कोई भी जिहड़ा है स्टाफ नू किसी किस्म की कोई भेदभाव किसी ना करता हो, क्योंकि बहुत जी है अज की खरीद के हिसाब से तुम अंदाजा ला ही सकते हो कि कितनी वधिया खरीद अच्छी मंडी के चल रही है। हुण तक सर किन्ने क्विंटल आमद हो चुकी है? हुण तक जी है मुख मंडी के जी 1,49,250 क्विंटल जी है आमद हो चुकी, सॉरी 3,55,000 क्विंटल जी है आमद हो चुकी, जिदे 2,78,000 क्विंटल जी खरीद भी हो चुकी है। चानन सिंह जी नमस्ते। दाना मंडी फाजिलका च अही जी साड़ी कणक सानू 10-10, 11-11 दिन हो गए जी, असीं कदी वेख इत्थे आए हां सानू पुछदा ही नहीं गा, इतने आते ने तो माड़ी जी ढेरी मार के हाथ जाते साढ़े कणक ही नहीं पास आते ने, तो बारिश पै गई रंग तब्दील हो गया जी, ए रंग तब्दील हो गया करके जी हम रंग तो हम परमात्मा ने जो पैदा करना उ होना असं तो नहीं कर सकते। हाँ जी, अं तो बेनती करते हैं भी साढ़े फसल चुकन सरकार वोटा ना। हाँ जी, हाँ मेरा नानक सिंह जिला जो पिंड साडा है आप दाना मंडी खड़े जी, साडा रोला अज मैं 15-20 दिन हो गए, मतलब इतने मंडी पहले डेरी अपनी फाइल कचाई सी सारे आप पुछ लो, असं मन लो भी राजनीति अफसर बनाने हैं भी अब फैजी तो अस बनाने भी साड़ी जिम्मेदारी सुनाई हो साडे तुरंत माल चुवाउण मंडिया चो असी अब काम कार कर लीए तूड़ी बनवाने की मजदूरी करनी होंगी जी, साढ़े कोई पट्ठे सुखी जाते कोई फसल बीजनी होंगी जी, साढ़े 15 दिन अज मैं हो गए 11 तरीक की आई डेरी अपनी मंडी में, तो साड़ी किसी प्रशासन ने ना तो एस डी एम सुनी ना डीसी सुनी ना इंस्पैक्टर सुनी, इंस्पैक्टर बंदा वो जोड़ा मार्क हट जाता तेख के असं चाहे भी सारी जी मंडी पी तुरंत माल चाना चाहिए, 2-3 दिन मंडी खाली होनी चाहिए, अज पहले आगे 10 साल पहले आते असी ट्राली कणक आँदी सी तो पहले नाल बोरी नाल सज्जा भरा लेंगे, तो इस वजह से परेशान बड़ी सारी दुनिया हुई है। रमेश कुमार जी लालो वाली जी फाजिलका मंडी जी, फसल सुखी हुई है अज 15 दिन हो गए जी। हाँ जी, वो चक कितने रह जी एफ सी आई साड़ी लैने चाहिए, वो मीह नाल भिज गई है, हुण वो कहिंदे लैस्टर लॉस हो गई है, ये लैस्टर लॉस का सानू पता ही नहीं लैस्टर लॉस होंदा की है जी, ये सारी मंडिया नाल ही हैगे जी, सारी मंडी मीह तो लगभग सारे एरिए च ही पिया जी, तो साड़ी लैंड नूं कहिंदे लैस्टर लॉस हो गई है जी। रोहित कुमार है जी? नहीं जी, वो आया जी वो कहिंदा सानू कोई उत्तों आर्डर होगा तो असीं लिखांगे जी लैस्टर लॉस। मोदी दा बेड़ा। रोशन सिंह जी दाना मंडी खड़े हैं जी फाजिलका जी, आ फसल सट्टी है जी अज 5-7 दिन हो गए इत्थे बैठे हाँ,
तो जी सरकार है ये ओटा लैन तो चल पे भी सानू ओटा पाओ जे गरीब ने असी मंडिया च रोल जाइएगा सानू कोई इन्हों का भी पूरा फायदा नहीं है सरकार असी ओटा पा देगा भी उन्होंने भरोसे बैठे हाँ कि चल साड़ी सुनवाई होगी असी छे छे महीने फसल पालीगा तो मंडी च आके दस दस दिन रोलना साड़ा जो पिछे काम है वो पिछे रह जाता है जेडे गरीब लोग बेचारे ने वो मंडिया के ही वो दाना दाना करके खिलर जाता है कोई पल्ले पैंता कुछ नहीं पैंता भी गरीब बंदे तो असं विचे रोंद रह जाएगा तो इन्हों आदि वोटा नाल है सानू वोटा पाओ इन्हों बना देगा ये कोई साड़ी सुनवाई नहीं करते जी असी बहुत तंग आ जो सरकार साड़ी सुनेगी साड़ी फसल चकेगी तो असं इन्हों खुले दिल वोट देवे साडा भी दिल करता भी इन्हों बनाइए जो साड़ी ना सुनवाई होगी तो अभी कितों सुनाई कुछ नहीं करती है कैप्टन के वादे ने जिमें जिमें कुबाया साहब हो गए कोई इन्होंने मंडी चाहते किसी ने गेड़ा नहीं मारिया जी चाहे सुखबीर हो गया कोई भी हो गया इन्हों आपके वोटों का मतलब है साड़ी गरीबों का कोई मतलब नहीं बस इन्हें वोट लेके पासे हो जाना मंडी से पानी का कोई नहीं बस कोई प्रबंध नहीं प्रबंध है जी भुखे बाने सवेर तो ला गए मंडी रात भी मच्छर इतने टंडी भी का साडा कोई इतने सुनवाई नहीं हो रही जी जिम्मेदार चार दिन हो गए दफ्तर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा रोज का कहते ने बस घंटे तक बोली शुरू कर देने रोज का लारा लाल छे जिम्मेदार बेचारे चुप कर बैठ जाते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती सरदार साहब सिंह जी मंडी फाइलका कई दिन बैठे साठ अठ दस दिन हो गए माल लगा चुक रहे पर जी साधु एजेंसी पेटे पाई साड़ी एजेंसी चुक रही एफ सी आई चकनी खरीद नहीं चकना की खरीदू चुक हथ मार के गांह गांह चले गए पास नहीं साढ़े क्वालिटी नहीं सी अभी तो मंग कर रहे सा माल अंदर लिया ढेरी लाई बैठे हैं माल बिकना चाहिए तुले करूँ जाइए अबू होना जी मैनू अठ दिन हो गए जी फरमाम वाला पिंड अपना श्यामा खड़का मेरे तो जेडे बाद आई ने ढेरिया बोरिया भरिया पिंड साढ़ी ढेरी उवे पई है जी डिमांड है जी सानू बोरिया भर के सानू फ्री करन दी पासंगड़ी हो रही सैंपल नहीं पास है जी हाँ जी जेडे कणक लाल तौर ते हैगा रंग ओही यूज कर रहे ने बाकी वेख ही नहीं रहा जी ओनू माल नू रौला पा कणक दे विच कोई बोरी नहीं कोई बिक्री नहीं हो रही की है जिम्मेदार नू मारन लगे ने ए मार एजेंसी ता सानू पता लगा ता सानू हण की पता केड़ी एजेंसी नू दे दे ओ बोरियां भरी जांदे साडे खाली पईयां ने कोई परचेज नहीं है लारे दित्ती जांदे ने सानू 6 दिन हो गए कोई परचेज नहीं है होंदी ओ यार आरती ने फुल पौणे ने पंजाब सरकार मुर्दाबाद।